कोई इनको फोन कर दिया लेकिन सेल्फी लगाने नहीं है। सेल्फी लगा दो, सेल्फी लगा दो, सेल्फी तो है ना, वो सेल्फी लगा दो, मेरे फोटो हमारा खींचना है। हां हां खड़े हो जाओ। बहुत दिनों से बहुत ट्राई कर रही थी, आज स्कूल से बच्चे को छोड़ के आए। अरे 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 एक फोटो लेना आइए, सेल्फी ले लीजिए। मैं तो ये अच्छा कोई ये सेल्फी मेरा दुआ दीजिए राखी जी को। ये ऊपर से चेक कर लो, क्या बहुत अंधेरा है मोबाइल में, इसलिए बोल रहा हूं। हां अंधेरा में दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। रूम जाना ले लिया है जरा। हां राखी जी कैसे हो आप? ठीक बोलिए राखी जी, कल मोदी जी आ रहे हैं। सब छोड़िए, मेरे लिए एक बैड न्यूज़ है। क्यों? मैं नहीं बता सकती हूँ। और आज मेरी मम्मी के पास उधर जाना है। अच्छा। मेरे हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ा है, बिकॉज मेरी माँ का कैंसर। बताना नहीं चाह रही, मैं जाऊँ। राखी जी बाइट नहीं। जी जी शादी के लिए जी जी मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे रहती हूँ। हाँ जी, मैरिड लाइफ के बाद क्या कुछ चेंजेस हुआ आपके लाइफ में, बताना चाहोगे? मैरिज तो 7 महीने हो गए हैं मेरी। आदिल की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, नो डाउट। बट कुछ लोग हैं मुझे आदिल को जुदा करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं बता सकती, हर चीज़ मीडिया में नहीं होती है। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। आदिल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं आदिल से बहुत प्यार करती हूँ। तो उनके मैसूर में ही कुछ लोग हैं जो उनको चढ़ा चढ़ा के उनको चढ़ा चढ़ा के उनको वापस मैसूर बुला लेना चाहते हैं। उन्हें मैं नहीं बताना चाहती हूँ। पैसों का लालच देकर, मेरा आदिल कभी किसी पैसों के लालच में नहीं आता। क्या नसीब लेकर पैदा हुई हूँ मैं, शादी करके भी चैन नहीं है। सब होगा, शादी करके भी चैन नहीं है। आप बताइए, कहीं इस वजह से तो नहीं कि आप हिंदू हो और मुसलमान हैं, लव जिहाद की वजह से? मुझे नहीं पता हिंदू मुस्लिम का, मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग आदिल को फ़ोन कर करके मुझसे जुदा करना चाहते हैं। कहीं के नहीं, सिर्फ मैसूर के लोग हैं, और वो कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम है। वो उनको फ़ोन कर करके पता नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरी शरीर पे, हेल्थ में आपको नहीं बता सकती क्या हो रहा है। मेरा गुड न्यूज़ में मेरा बैड न्यूज़ बन गया है मेरा। थैंक यू राखी जी। आखिरी सवाल, आपका एक तस्वीर, इनका एक फ़ोटो ले लो प्लीज़। एक तस्वीर से वायरल हो रहा है, आप भगवा कलर के बुर्का में दिखाई दी हो तस्वीर में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ओके जी, आप भगवा कलर के मतलब बुर्के में आपका फोटो लग है, वायरल हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने पहना नहीं है, किसी ने कलर करेक्शन किया होगा। मैंने बुर्का पहना है, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज मेरी शौहर मुस्लिम है तो मेरा फ़र्ज बनता है। मैंने कलमा पढ़ा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है नमाज़ पढ़ना। मैं अपने गॉड को भी प्रे करती हूँ और नमाज़ भी पढ़ती हूँ। मैं जीसस को भी मानती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ। मुझे इससे कोई मेरा खुदा रोक नहीं सकता। मैं आपसे मैसूर वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे और आदिल को जुदा ना करें प्लीज़। कोई रीज़न बताना चाहोगे क्यों जुदा कर रहे हैं लोग? मुझे नहीं मान, आदिल के घर वाले नहीं मान रहे कि ऐसा कुछ बाहर से कोई? मैं कुछ नहीं, क्यों मेरी ज़िंदगी में एक दिन भी चैन का नहीं हो रहा? क्यों मेरी ज़िंदगी में एक पल भी चैन का नहीं हो रहा? मैसूर वालों मत करो ऐसा। जो आदिल को जानते, सारे मैसूर वाले के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन जो आदिल को जानते हैं, मुझे और आदिल को जुदा ना करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। उसे भी चैन से जीने दे, मुझे भी चैन से जीने दे। थैंक यू। ठीक है।
आपको बताती हूँ, शायद शाम को होगा। राखी जी एक मिनट चलेगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने टाइम दिया हुआ है, शाम को होगा। राखी थोड़ा नीचे आ जाना, ठीक है? नहीं राखी जी, हम क्या बात मैम, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, लग के लिए आगे लेट हो गए थोड़ा, ए तो जगह दे दे रुको, मगर मैं तो इधर एक मिनट, मेरा मोबाइल जरा चालू नहीं हुआ, हैंग कर दिया क्या? हाँ हैंग हो गया। ठीक है चल, कोई बात मुझे बोला आ जाए भाई, भाई रुक जा भाई, एक मिनट रुकना भाई, आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, भाई उठाइए मोबाइल नहीं आया यार, एक सेकंड, एक मिनट भाई, बाद में फोटो लो यार, रोहित राखी जी कल आप बोल रहे थे कुछ अम्बानी जी ने आपकी हेल्प की, उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। तो नाम जो थे ना जिन्होंने मुझे मेरी मम्मी के एनजीओ के लिए, अम्बानी परिवार से ही थे वो लोग, उनके परिमल परिवार है ना, परिमल परिमल, तो उनके भरत भाई करके हैं, उनके एनजीओ ने मेरी माँ को हेल्प किया है डेफिनेटली, बस इतना कहना चाहती हूँ। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अभी, मम्मी का भी हेल्थ कैसे आपकी? मम्मी को तो पूरा कैंसर बॉडी में फैल गया है, बोन्स में, ब्रेन में, हर जगह, माँ का दर्द, और अभी अभी सब आदिल को सता रहे हैं, जब आदिल ने कबूल कर दिया बराबर शादी, तो आदिल को सब मैसूर के कुछ लोग सता रहे हैं, वो घर नहीं बसने देना चाह रहे मेरा, बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। मैं राखी जी आपके साथ, राखी जी सब सही हो जाए, अभी तो लीगल हो गए हैं, लीगल है, मेरा आदिल मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, जाएगा तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ आदिल भाई नहीं छोड़ेंगे, बोलो जब आपके साथ है, हम आपके साथ, जब आदिल भाई ने, जब समय है, समय निकल जाए, जब आदिल भाई ने कबूल कर दिया तो अभी कोई टेंशन ही नहीं आपको? हाँ लेकिन उनको है ना प्रेशर किया जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, उनको प्रेशर किया जा रहा है, बता सकते हैं किस तरह कहां से प्रेशर आ रहा है? मैसूर से, कौन है वो? जहां से वो है, कर्नाटका मैसूर से, जहाँ से है वो, बहुत लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। करण, करण भाई आइए, करण भाई आ जाओ, आ जाओ, नहीं नहीं इज बिजी, या फैमिली मेंबर्स नहीं? फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो कुछ लोग हैं जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ कौन लोग हैं, उनके दोस्त या फिर कोई, बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो वो कह रहे कि वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से शादी करी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगी, वक्त आने पर मैं सब खुलासा करूँगी मीडिया के ज़रिए, सिर्फ कर्नाटका में, मैसूर वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मत करो आप, आपको ऊपर वाले को जवाब देना है, मेरा बकायदा निकाह हो चुका है, मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया है, जहन्नुम में जाओगे आप लोग, मुझे और मेरे आदिल को जुदा करना चाहते हो, उसे मेंटली प्रेशर आप कर रहे हो, ताकि मेंटली प्रेशर में आके वो गंदे तीन वर्ड मुझे बोल के चले जाए, उनके वर्ड बोलने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना, तुमको जन्म में नसीब नहीं करेगा, अगर मुझे और मेरे आदिल को अलग करोगे तो। शुक्रिया। नहीं जब आदिल भाई का साथ है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। राखी जी कितने बजे आना? मुझे लगता है शाम को उधर जाना है, मैं इनको बोलूँगी ये सब सादा जी को ना, क्योंकि मेरे पास किसी का, आपने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया है। नहीं मैं आपको फ़ोन किया था। ओके मैम।